श्री प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी भाग दो। काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता, कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुँची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये कौन बुढ़िया है, ये कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए, पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन किसी बेईमान और भगोड़े आसामी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपककर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते, क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं, चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि दीवार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को धाड़स हुआ, कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिकतर धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ
जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटका, वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं, तो किसी का ज़रा भी आहट न मिलती थी। समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका क्यों जी दुखाएं? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ, और कुछ? इस पर ये हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धि राम से इतना कहते न बनता था कि काकी, अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तब ही ना दी तो अब क्या देंगी? ये विचार कर काकी निराशमय संतोष से लेट गई। ग्लानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की शुद्धा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गईं। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण कराना उन्हें मदांत बनाना है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल बहाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठला दिया। दीन शुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरे के जूठे पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी का ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गई।
उसे वहां न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का जूठा पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही है, ये वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते थे। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिखाई पड़ा था। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत 1000 रुपए खाए उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी। केवल इस कारण तो वह वृद्धा है, असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वो परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ था। रूपा ने कंठावृद्ध स्वर में कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोएं से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। धन्यवाद।